गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू श्री एकनाथ खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताईनगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम सचिन पाटिल योर ईवीएस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर चैप्टर 8 हाउस वी बिल्ड वर्कशीट सेकेंड। वर्कशीट सेकेंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ आई एम राइटिंग माई नेम, यू राइट योर नेम इन दिस वे, ओके। Now see, dear friends, if you want to visit my house, अगर दोस्तों, dear friends मतलब दोस्तों, if you want to visit my house, अगर आपको मेरे घर आना है तो this is my address, तो यहाँ पर आपको आपका address write down करना है। हाँ, आया समझ में? आपको आपका address यहाँ पे write down करना है। So you write your address in this way. हाउस नंबर, घर का नंबर जो होगा वो 203, वो हाउस का नंबर डालिए। फिर आपके, आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं और किस मंदिर के पास रहते हैं, उसका एड्रेस डालिए। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, हाउस नंबर 203, गजानन टेम्पल, गजानन टेम्पल। हाँ, फिर हमारे तहसील का नाम, तालुका मुक्ताईनगर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, ऐसा हम लोग हमारा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। और माय फ़ोन नंबर, हाँ, हमारा फ़ोन नंबर 9503891892। आप आपके पापा का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर आपके एड्रेस लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, माय एड्रेस माय फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपके मम्मी या पापा का फ़ोन नंबर लिखिए और यहाँ पर आपका एड्रेस, ओके। कौन सा गांव है आपका, हाँ, उस गांव का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। नाउ नेम द टाइप ऑफ हाउस, name the type of house, a house built with logs, ऐसा कौन सा house होता है जो उसे log house कहते हैं, log से बना रहता है। log house कहाँ पे बनाते हैं, hilly areas में, जहाँ पर बहुत सारा forest होता है, बहुत सारा trees होता है, wood होता है, that is called log, a house built with logs is called as a लॉग हाउस। उसे कौन सा हाउस कहते हैं, लॉग हाउस, अ हाउस मेड अप ऑफ आइस, ऐसा हाउस जो आइस से, बर्फ से बना रहता है, उसे कौन सा हाउस कहते हैं, ईगलू। कौन सा कहते हैं, ईगलू, ईगलू, उसको इग्लू हाउस कहते हैं। कौन सा हाउस कहते हैं, इग्लू। अ हाउस मेड अप, मेड ऑन बाम्बू पोल्स, बाम्बू पोल्स। अभी ये बाम्बू पोल्स का हाउस कहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर बहुत घनी बारिश होती है, बहुत सारा रेनफॉल होता है। हाँ, आसाम और मेघालय, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो यहाँ पर हाउस बाम्बुओं से बना हाउस बनाते हैं, मतलब थोड़े ऊंचाई पर, अबोदी ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर बाम्बुओं पर घर बनाते हैं, उसे कौन सा हाउस कहते हैं, स्टिल्ट हाउस। उसे स्टिल्ट हाउस कहते हैं। आया समझ में? अ हाउस ऑन व्हील्स, व्हील्स माने पहिए, गाड़ी के पहिए। अ हाउस ऑन अ व्हील्स, तो गाड़ी के पहियों पर कौन सा हाउस होता है, कार वैन। कौन सा होता है, कार वैन, उसे कार वैन कहते हैं। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउस, पीपल हु हेल्प अस, ऐसे लोग जो हमें हेल्प करते हैं, किस लिए, टू बिल्ड, बांधने के लिए, टू बिल्ड मतलब बांधना, टू बिल्ड अवर हाउस, हमारा हाउस,
अवध हाउस, अवध हाउस मतलब हमारा हाउस को बांधने के लिए कौन से लोग हेल्प करते हैं, कौन से लोग हेल्प करते हैं हमें? तो पहला है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब इंजीनियर जो डिज़ाइन का काम करता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, जो अलग अलग मटेरियल और अलग अलग लोगों को हेल्प लाके हमें प्रोवाइड करता है। लेबरर मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं। मैशन, हाँ, मतलब जो प्लास्टर का काम करते हैं या पूरा मिट्टी का काम करते हैं उनको कहते हैं मैशन। हाँ, अगेन कौन होता है, अगेन कौन होता है, इलेक्ट्रीशियन, 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 इलेक्ट्रीशियन मतलब जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, लाइट लगाना, फैन लगाना, बल्ब लगाना। प्लम्बर, प्लम्बर माने कौन, प्लम्बर माने कि जो नल फिटिंग का काम करता है, हाँ, पानी के लिए। कारपेंटर, हाँ, कारपेंटर क्या करता है, अलग अलग कबोर्ड बनाता है, टेबल्स बनाता है, उसे कारपेंटर कहते हैं। हाँ, फिर पेंटर, पेंटर मतलब कलर, कलर करने का काम, हमारे दीवारों को कलर लगाने का काम करता है। हाँ, तो ये सब क्या होता है, इतने सारे लोग हमें हेल्प करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सब लोगों का हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, नाउ सी, पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउस। फर्स्ट आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट डिजाइन अवर हाउस, वो डिजाइन करता है। आर्किटेक्ट डिजाइन अवर हाउस बिफोर इट इज बिल्ड, बिफोर इट इज बिल्ड मतलब उसको हमारा घर बांधने से पहले वो उसका क्या करता है, डिजाइन करता है, ड्राइंग निकालता है। कौन, आर्किटेक्ट, दिस इज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन अवर हाउस। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर गिव्स हिज वर्कर्स, वो अपने वर्कर्स, उसके पास जो वर्कर्स होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं काम करने वाले, उनको वर्कर्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर गिव्स हिज वर्कर्स वेरियस जॉब्स टू डू, अलग अलग कामों के लिए वो वर्कर हमें देता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग हमें देता है, काम करने वाले लोग, वर्कर्स माने काम करने वाले लोग। कॉन्ट्रैक्टर गिव्स हिज वर्कर्स वेरियस जॉब्स टू डू। लेबर, लेबर, लेबर क्या करते हैं, लेबर मतलब काम करने वाले लोग। ही इज अ पर्सन, लेबर, ही इज अ पर्सन हु डिग्स, जो खोदने का काम करता है, डिग्स माने खोदना। हु डिग्स कैरीज ब्रिक, जो इटाई कैरी करने का काम करता है, ब्रिक्स को, ब्रिक्स माने क्या है, इटाइयां, इटाइयों को लेके जाने का काम करता है। एंड डज अदर काइंड ऑफ वर्क, और दूसरे भी बहुत सारे काम करता है। एंड डज अदर काइंड ऑफ वर्क, अदर काइंड ऑफ वर्क मतलब दूसरे भी बहुत सारे काम करता है। लेबरर मीन्स ही इज अ पर्सन हु डिग्स कैरीज अ ब्रिक्स एंड डज अदर काइंड ऑफ वर्क, और वो दूसरे भी बहुत सारे काम करता है। वो खोदने का काम करता है, इटाइयों, ब्रिक्स माने इटाई, इटाई को कैरी करने का काम करता है, और दूसरे भी बहुत सारे काम करता है। कौन, लेबरर, काम करने वाला आदमी। मैशन, अभी मैशन क्या करता है, मैशन लेज द डैश डैश, मैशन लेज द फाउंडेशन, वो फाउंडेशन डालने का काम करता है जमीन में। इन द ग्राउंड मैशन लेज द फाउंडेशन रेज द वॉल्स, दीवारों को उठाता है। एंड मेक्स, मेक्स सीलिंग्स, वो सीलिंग्स, घर का जो सीलिंग्स होता है, हमारा छत, सीलिंग माने छत, पहले वो फाउंडेशन मतलब नीचे हमारा ग्राउंड में क्या बनाता है, वो फाउंडेशन बनाता है, पहिया बनाता है। देन रेज द वॉल्स, फिर दीवार बनाता है। एंड मेक्स द सीलिंग,
एंड मेक्स द सीलिंग, सीलिंग माने छत बनाता है, किसका, घर का, कौन, मैशन, कौन बनाता है, मैशन, मैशन लेज द फाउंडेशन, रेज द वॉल, दीवार उठाता है, एंड मेक्स सीलिंग, छत बनाता है, किसकी, घर की, विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स, ये जो लेबर्स होते हैं इनकी हेल्प से ये मैशन, हाँ ये मैशन क्या करता है, हाँ ये सब हाउस बनाने का काम करता है, पहले फाउंडेशन बनाता है, फिर दीवार बनाता है, फिर सीलिंग बनाता है, आया समझ में, हाँ दीज आर द पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउस, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, लेबरर, मैशन, और भी है, नाउ टर्न द पेज, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन फिट्स इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, और क्या क्या फिट करता है, स्विचेस, स्विचेस भी लगाता है, बल्ब्स लगाता है, आया समझ में, इलेक्ट्रीशियन फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड बल्ब्स, ये सारा फिट करने का काम इलेक्ट्रीशियन करता है, हाँ ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रीशियन हु फिट्स द इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड बल्ब्स। नाउ प्लम्बर, प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर नल लगाने का काम करता है, प्लम्बर फिट्स ऑल वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स, जितने भी वाटर पाइप्स है वो लगाने का काम करता है, प्लम्बर फिट्स ऑल वाटर पाइप्स एंड टैप्स, टैप्स माने नल, टैप्स माने नल, प्लम्बर फिट्स ऑल वाटर पाइप, पानी के पाइप और टैप्स, टैप्स माने नल, नल बिठाने का काम करता है, किसमें, घर में और बाथरूम में, आया समझ में, तो प्लम्बर का काम है फिट्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स इन द बाथरूम। कारपेंटर, अभी नेक्स्ट है कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर लकड़ियों से कबोर्ड बनाना, टेबल बनाना, इसका काम करता है, कारपेंटर मेक्स डूअर्स, वो दरवाजा बनाता है, डूअर्स, कबोर्ड्स, कबोर्ड्स, कारपेंटर मेक्स डूअर्स, कबोर्ड्स एंड विंडोज, और खिड़कियां भी बनाता है, कौन, कारपेंटर, कारपेंटर मेक्स डूअर्स, कबोर्ड एंड विंडोज, ये बनाने का काम कारपेंटर का होता है। नेक्स्ट है पेंटर, पेंटर क्या करता है, पेंटर पेंट्स द वॉल्स एंड डूअर्स, वॉल्स एंड डूअर्स, दीवारों पर और दरवाजों पर वो पेंट लगाने का काम करता है, कौन, पेंटर, पेंटर पेंट्स द वॉल्स एंड डूअर्स टू मेक देम ब्यूटीफुल, उनको अच्छा सुंदर बनाने का काम करता है, कौन, पेंटर। सो दीज आर द पीपल हु बिल्ड अवर हाउस, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैशन, अगेन लेबरर, कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्चर, ये सात लोग, दीज आर द सेवन पीपल्स हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउस। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड हाउस, एक अच्छा हाउस कैसे बनता है, कैसे बनता है, गुड हाउस इज आइडियल इन एवरी वे, वो हर तरह से कैसा होता है, अच्छा होता है, अ गुड हाउस इज आइडियल इन एवरी वे, हर तरह से वो सुंदर होता है, अच्छा होता है, इट्स रूम आर वेल लिट, अच्छा हाउस कैसे होता है, जिसके सारे रूम्स कैसे होते हैं, आर वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेसियस, वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड एंड स्पेसियस, वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड मतलब, वेंटिलेटेड मतलब खुली हवा वाले, बड़ी खिड़कियों वाले जिसमें खुली हवा आती है, एंड स्पेसियस, स्पेसियस मतलब बहुत सारी जगह होती है, तो ऐसे हाउस को गुड हाउस कहते हैं, गुड हाउस किसे कहते हैं, जिसका वेंटिलेटेड होता है, वेल वेंटिलेटेड होते हैं और स्पेसियस होती है, जिसके रूम वेंटिलेटेड होते हैं और स्पेसियस होते हैं, जिसके रूम
मतलब बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं जिसमें से बहुत सारा हवा आती है, एंड स्पेसियस, स्पेसियस मतलब बहुत सारा जगह होती है रूम में, उसे गुड हाउस कहते हैं। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, ऐसे घर बहुत क्या होते हैं, आरामदायी होते हैं। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब बहुत आरामदायी होते हैं। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत आरामदायी होते हैं ऐसे घर जहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ होती है, बहुत सारी जगह होती है, तो हम लोग आराम से ऐसे गुड हाउस में हम लोग रह सकते हैं। इट इज़ क्लीन एंड टाइडी, इट इज़ क्लीन एंड टाइडी है, ये बहुत ही साफ सुथरा होता है। इट इज़ क्लीन एंड टाइडी। द रूम्स आर वेल लिट एंड एयरी, वेल लिट एंड एयरी मतलब बहुत सारी हवा ऐसे रूम्स में आती है। द रूम्स आर वेल लिट एंड एयरी, एयरी मतलब बहुत सारी हवा उसमें आती है। दिस इज कॉल्ड गुड हाउस। तो गुड हाउस किसे कहा जाता है, ये दीज आर द फोर पॉइंट्स। ये फोर पॉइंट्स अगर जिस हाउस में होते हैं उसको गुड हाउस कहते हैं। कौन से फोर पॉइंट्स हैं, रूम्स आर वेंटिलेटेड एंड स्पेसियस, रूम्स कैसे चाहिए, वेंटिलेटेड एंड स्पेसियस। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इट इज़ क्लीन एंड टाइडी, वो क्लीन एंड टाइडी चाहिए। रूम्स आर वेल लिट एंड एयरी, रूम्स कैसे चाहिए, बहुत सा लाइट चाहिए, लिट माने लाइट चाहिए, बहुत सा लाइट चाहिए, और क्या बहुत सारी हवा भी चाहिए, तभी उसको क्या कहते हैं, गुड हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड हाउस। नाउ इनिमीज ऑफ क्लीन हाउसेस, इनिमीज ऑफ क्लीन हाउसेस, इनिमीज माने शत्रु, इनिमीज माने शत्रु यानी दुश्मन, इनिमीज माने शत्रु या दुश्मन। इनिमीज ऑफ क्लीन हाउस, साफ सुथरे घर के दुश्मन कौन होते हैं, कौन होते हैं साफ सुथरे घर के दुश्मन, जो घर को खराब करते हैं उनको क्या कहते हैं, इनिमीज कहते हैं। किस किसका इनिमी कहते हैं, क्लीन हाउस का। क्लीन हाउस माने साफ सुथरा घर, क्लीन हाउस माने साफ सुथरा घर। तो साफ सुथरे घर के दुश्मन कौन, जो घर को गंदा करते हैं। तो घर को कौन गंदा करता है, कॉकरोच, कौन करता है, कॉकरोच और रैट, चूहा, तो ये घर को गंदा करने का काम करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनिमीज ऑफ द क्लीन हाउस, क्लीन हाउस का, साफ सुथरे घर का दुश्मन कहा जाता है, किसे, कॉकरोच और रैट को। सी देयर आर सम क्रिएचर्स दैट मेक्स अवर हाउस डर्टी, देयर आर सम क्रिएचर्स, तो ऐसे कुछ प्राणी होते हैं, देयर आर सम क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब क्या, कि ऐसे जो कोई प्राणी होते हैं या कोई छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन वो क्या करते हैं, हमारे घर को डर्टी करने का काम करते हैं। देयर आर सम क्रिएचर्स दैट मेक्स आवर हाउस डर्टी, जो हमारा घर खराब करते हैं। दे कैरी जर्म्स, वो जर्म्स को कैरी करते हैं। दे कैरी जर्म्स, वो जर्म्स कैरी करते हैं। जर्म्स माने कीटाणु, कीटाणुओं को वो अपने साथ घर में लेके आता है। बाहर से वो कीटाणुओं को हमारे घर में लाते हैं और स्प्रेड कर देते हैं। दे कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड देम इन द आवर हाउस, हमारे घर में उसको स्प्रेड कर देते हैं, इधर उधर उनको फैला देते हैं। दे कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड देम इन आवर हाउस। दे बिकम इनिमीज ऑफ आवर हाउस, दे बिकम इनिमीज, दे बिकम इनिमीज ऑफ आवर हाउस, वो हमारे घर के क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। दे बिकम इनिमीज ऑफ आवर हाउस। तो कौन से इनिमीज है हमारे घर के, कॉकरोच एंड रैट। आए समझ में, देर आर सम क्रिएचर्स दैट मेक्स आवर हाउस डर्टी, दे कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड देम इन आवर हाउस, दे बिकम इनिमीज ऑफ आवर हाउस, तो इनको इनिमीज कहा जाता है। आए समझ में, थैंक यू स्टूडेंट। दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट सेकेंड ऑफ चैप्टर 8। थैंक यू।